मैं हूँ पोलैंड के कोटोविश शहर में। यहाँ भी मार्च का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है। हम लोग यहाँ पे एक हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं और मैं आपको आज यहाँ की होटल्स के बारे में बताऊँगी। हम जिस होटल में शिफ्ट हुए हैं वो ये है, इसके फोर्थ फ्लोर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो चलिए मैं आपको होटल के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। गर्म पानी के हीटर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देख सकते हो, इनके अंदर गर्म पानी बहता है जिससे कि होटल के अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है। और अभी हम थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं, देखिए आप, इस होटल की पूरी दीवार में आपको कारपेट लगा हुआ दिख जाएगा जो कि एक टेम्परेचर रेगुलेट करता है। मतलब ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आता है ना अंदर का टेम्परेचर बाहर जाता है। तो ये जो कारपेट लगे हुए हैं वो आपको होटल के बाहर वाली दीवारों पे और रूम के अंदर वाली दीवारों पे दोनों तरफ लगे हुए मिल जाएंगे। और ये आ गए हम फोर्थ फ्लोर पे, ये देखिए, ये 403 मेरा रूम नंबर है। तो चलिए देखते हैं कैसा है अंदर से। ये देखिए, ये किचन है, ये हॉट प्लेट दिया हुआ है उन लोगों ने खाना बनाने के लिए। यहाँ पे होटलों में आपको किचन भी मिल जाएंगे। तो दो हॉट प्लेट हैं, ये छोटी बड़ी, दोनों का टेम्परेचर आप रेगुलेट कर सकते हो। और इसके नीचे ही इन लोगों ने फ्रिज दे रखा हुआ है, ये देखिए फ्रिज है। और इस साइड डस्टबिन और बहुत सारे इसमें आपको कबर्ड मिल जाएंगी जिससे आपको स्पेस की दिक्कत नहीं है। ये ऊपर भी कबर्ड दिया उन लोगों ने और ये नीचे भी बहुत सारे कबर्ड हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और किचन के बाद फिर फ्रंट रूम आता है, देख सकते हैं आप, ये सोफा वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे पंखे नहीं होते, आपको ऊपर लाइट ही लगा हुआ मिलेगा हमेशा। ये देखिए यहाँ पे रूम में भी हीटर लगा हुआ है, ये देखिए, इसके अंदर गर्म पानी बहता है। इसमें चाहे तो आप कपड़े भी सुखा सकते हो और ये रूम की दीवार में आपको मिल जाएगा। और ऐसे हर रूम में लगा हुआ रहता है, ये मैंने इसमें कुछ कपड़ा सुखाया हुआ है, ये देखिए। और इसको आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, ये मैंने इसको दो पे रखा हुआ है, इसको आप 3, 4, 5 तक कर सकते हैं। और यहाँ के जो पिन है वो थोड़े अलग हैं, इसलिए आप जब भी आए अपने साथ एडाप्टर लाना ना भूलें, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है चलाने के लिए
यहाँ पे ने बहुत सारे कबर्ड दिए हुए रूम के अंदर भी, ये देखिए आप, बहुत सारे कबर्ड हैं। यहाँ पे भी टेबल भी है, लैपटॉप टेबल मिल जाएगी, चेयर मिल जाएगी, छोटी टेबल मिल जाएगी, कबर्ड मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ एक ही बेड था, पर हम लोग क्योंकि दो हैं इसलिए हम लोगों ने एक बेड और इनसे ले लाने का बोला है। और आपको साथ में लाके लाने की कुछ भी जरूरत नहीं, रजाई, गद्दा, तकिया, ये सब लोग देते हैं। और आप चाहें तो इस होटल में साल भर तक रुक सकते हैं। ये एक हॉस्टल जैसा है, होटल इसका नाम जरूर है पर है हॉस्टल। कपड़े धोने के लिए आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी। ये देखिए कितना बड़ा कबर्ड है, इसमें भी बहुत स्पेस है। ये देखिए आप चाहें तो पूरे कपड़े रख सकते हो। तो ये होटल से ज्यादा हॉस्टल है। ये देखिए लेट बाथ, ये बहुत क्लीन और बहुत अच्छा है। यहाँ के नल में दोनों पानी आते हैं, कोई सा भी नल हो, ये रेड पे गर्म और ब्लू पे ठंडा, कोई सा भी नल हो यहाँ का, कोई सा भी नल, दोनों पानी आपको मिल जाएंगे, ठंडा और गर्म। और ये बाथरूम है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं चाहे तो। ये इसमें लगा हुआ है जो है प्लास्टिक का दरवाजा टाइप, इसको आप ऐसे करके सेपरेट कर सकते हैं, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बेड पात अलग हो जाता है। मैं आपको थोड़ी दूर से दिखाती हूँ, देखिए इसको आप चाहें तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ की खिड़की से आपको, यहाँ की खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो आपको बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। ये पूरी यहाँ की खिड़की है, ये देखिए बर्फ गिरी हुई है, आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बर्फ बाहर। और यहाँ का जो होटल है, ये पूरा हॉस्टल है, यहाँ पे आपको कपड़े धोने के लिए 5 फ्लोर के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, सब आप अपने कपड़े वहाँ पे ही धो सकते हैं। तो यहाँ के लोग उस होटल को हॉस्टल जैसा यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग भी कर रहे हैं। तो चलिए बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। Thank you.